नवी मुंबई में जारी मूसलाधार बारिश के चलते नेरुल में भारी तबाही देखने को मिली है। तेज हवाओं ने यहां कई पेड़ों को उखाड़ दिया है, जिससे कई वाहनों को भारी नुकसान देखने को मिला। कांग्रेस नेता अनवर हवलदार ने इस नुकसान के लिए महानगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए मुसीबत बने पेड़ों की तत्काल छटनी कराने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। तेज हवाओं के साथ चल रही मूसलाधार बारिश ने बीती रात नेरुल सेक्टर 21 में भारी तबाही मचाई है। यहां कई ठिकानों पर पेड़ गिरे हैं, जिनकी चपेट में आए कई वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। सानी कांग्रेस नेता अनवर हवलदार ने आज इन ठिकानों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नेरुल सेक्टर 21 सर्वाधिक पेड़ों का इलाका है, लेकिन उनकी छटनी नहीं होने से बारिश में रोज पेड़ गिर रहे हैं। उन्होंने महानगर पालिका प्रशासन की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए इन पेड़ों की तत्काल छटाई कराने और रहवासियों को जानलेवा हादसों से बचाने की मांग की। माननीय पालिका आयुक्त श्री बांगर जी से रिक्वेस्ट किया था, उनको निवेदन भी दिया था, आप सेक्टर 21 के झाड़ की जो है छटनी कीजिए। फिर मैंने वार्ड ऑफिसर से संचेती मैडम उनको भी लेटर दिया, उनसे भी बात किया, लेकिन महापालिका ऐसा लग रहा है कि महापालिका नई मुंबई के नागरिकों के जान और माल को बचाना नहीं चाहती, उनका नुकसान करना चाहती है। आज भी यहाँ पर चार गाड़ी का नुकसान हो गया। जो नया फुटपाथ बनाया था हमने 55 लाख रुपये खर्चा करके महापालिका ने, वो फुटपाथ भी यहाँ पर टूट गया। एक तो म्युनिसिपैलिटी पेड़ को, गिरने वाले पेड़ को भी काटने का परमिशन नहीं देती है। जब वो परमिशन देती नहीं है, ऊपर से पेड़ छाटती नहीं है, तो ऐसे हालात के अंदर जब बारिश ज़्यादा होती है, हवा चलती है, तो पेड़ को गिरने के अलावा, जो कमज़ोर पेड़ होते हैं उसको गिरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो मेरी मनपा आयुक्त से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ के लोगों का जान माल का और नुकसान ना हो, और नुकसान ना हो, इसके लिए यहाँ पर रेगुलर छटनी का प्रोग्राम चलाएं। स्थानीय नागरिकों ने भी मनपा प्रशासन और आपदा विभाग की नाकामियों पर गुस्सा जताया। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर मनपा अधिकारी कब जागेंगे, जब किसी की जान चली जाएगी। सानी नागरिकों ने हफ्ते भर में पेड़ों की छटाई कराने और आपदा से बचाने की भी अपील की। हमने कितनी कंप्लेन की है, जितने हमने म्युनिसिपैलिटी में भी कंप्लेन किया है, वो कहते हैं कि जब तक गिरेगा नहीं हम झाड़ को कुछ नहीं कर सकते, हम टच भी नहीं कर सकते हैं। कब तक रुके हैं? जब गिर जावे, किसी का मकान का नुकसान हो जाए, किसी के गाड़ी का नुकसान हो जाए, किसी के लाइफ चला जाए, तब तक रुके रहे? या उस अगर वो इतना ऐसे कंडीशन में है कि इतना टिल्टेड है कि वो एनी टाइम गिर सकता है, तो उसे तो हमें इमीडिएटली काट के लाइक यू नो ये कर देना चाहिए, एटलीस्ट ऊपर से छांट देना चाहिए। मैंने छांटने का भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई छांट भी नहीं रहे। तो मैं म्युनिसिपैलिटी से ये अपील कर रही हूँ कि वो सेक्टर 21 में आकर सारे ट्रीज का मुआयना करें, और जो भी ट्री उनको लग रहा है डेंजरस है, एनी टाइम गिर सकता है, उसको अभी इसी रेनी सीजन में, मतलब एक वीक के अंदर उसको काट दें, उसको छांट दें, और ताकि हमारे जो रेसिडेंट्स वो काफी डरे हुए हैं, कभी उनके गाड़ी पे गिर सकता है, उनके मकान पे इलेक्ट्रिक पोल है सामने, उस पे अगर गिर गया तो आप प्लीज इस मैटर को सीरियसली लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।